आज से 5 साल बाद यानी कि 13 अप्रैल 2029 को 1000 फीट से भी अधिक डायमीटर वाला एक विशाल चट्टान हमारी पृथ्वी से टकराएगा, जिसके टक्कर से हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 10 लाख गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इसके टकराने से सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी की लहरें पूरे शहरों को तबाह कर दे। धरती पर मानव जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये खतरा सिर्फ अपोपिस से ही नहीं है बल्कि नासा के साइंटिस्टों ने एक अलर्ट जारी किया है कि 12 जुलाई 2038 को एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराएगा, जिसके टकराने के 72% चांसेस हैं। इस अलर्ट को नासा और इसरो के साइंटिस्टों ने मिलकर जारी किया। सो आर वी रियली गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट इन 2038? लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज अपोपिस। इजिप्शियन मैथोलॉजी में एक बहुत बड़ा डेमन स्नेक था जिससे लोग बहुत ही डरा करते थे। उनको लगता था कि ये सांप एक दिन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, जिसे इजिप्शियन गॉड ऑफ कियोस के नाम से भी जाना जाता, और इसी वजह से अपोपिस नाम को एक बार फिर से दोहराया गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2038 में ये अपोपिस नाम का एस्ट्रॉयड पूरी धरती को तबाह कर देगा। लेकिन सच कुछ और है जो आपको नहीं पता। एस्ट्रॉयड जिन्हें प्लेनेटोइड भी कहा जाता है, ये स्पेस में अपने ऑर्बिट में घूमने वाले बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं, जिनका डायमीटर 10 से 20 मीटर से लेकर 100 से 200 किलोमीटर तक होता है। अब तक स्पेस में खोजा गया सबसे छोटा एस्ट्रॉयड 2 मीटर चौड़ा है, जबकि सबसे बड़े एस्ट्रॉयड का नाम सेरेस है जो 940 किलोमीटर तक चौड़ा है। ज्यादातर एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट में रहते हैं और कॉमेट्स स्काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि एस्ट्रॉयड एक दूसरे के पास बिल्कुल सटे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एक एस्ट्रॉयड से दूसरे एस्ट्रॉयड के बीच की दूरी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। कभी कभी ये एस्ट्रॉयड अपने बेल्ट से निकलकर अर्थ के करीब नियो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। नियो में एस्ट्रॉयड कॉमेट्स मीटियोर्स मीटियोरॉइड्स और मीटियोरॉइड पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड रॉक्स और मेटल्स से बने होते हैं। कॉमेट्स बर्फ चट्टान और धूल से बने होते हैं और इसी वजह से कॉमेट्स का निक नेम डर्टी स्नो बॉल्स रखा गया है। ज्यादातर कॉमेट्स विजिबल होते हैं क्योंकि जब ये स्पेस में घूमते हैं तो इनके पीछे कुछ टेल्स टाइप की बनी रहती है, जिसकी वजह से आप अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर एस्ट्रॉयड को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। एस्ट्रॉयड से ज्यादा कॉमेट्स खतरनाक होते हैं क्योंकि कॉमेट्स की स्पीड इतनी तेज होती है कि पृथ्वी पर लगे डिटेक्टिव सेंसर इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते और उनकी वार्निंग टाइम भी कम होती है। अचानक से कब कोई कॉमेट्स आके हमारी धरती से टकरा जाए इसका पता हमें पहले नहीं चल पाता, और इन्हीं सब चीजों को फिल्म डोंट लुक अप में बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक एस्ट्रॉयड कॉमेट्स अर्थ की ओर बहुत तेजी से आ रहा है, जिसके टकराने के 99.78% तक चांसेस हो। तो पृथ्वी पर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे इस एस्ट्रॉयड कॉमेट्स को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो मीटियोरॉइड होता है वो एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स का टुकड़ा ही होता है। जब कोई मीटियोरॉइड अर्थ के करीब आ जाता है और वो एटमोस्फियर में एंटर करता है तो उस मीटियोरॉइड को मीटियोर कहते हैं, और जब यह इवेंट होता है तो वह उतना ही जलने लगता है और उसके पीछे एक स्ट्रीट लाइट दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और जब यह अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके धरती पर गिर जाता है तो उसे मीटियोराइट कहते हैं। 2004 में जब एस्ट्रॉयड 99,942 अपोपिस की खोज की गई थी तब ये पता चला कि ये 335 मीटर बड़ा है, और तब जाके इसे सबसे खतरनाक एस्ट्रॉयड में से एक माना गया जो धरती को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन जब 2021 में एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके ऑर्बिट की डीप स्टडी किया तब उन्होंने ये पाया कि आने वाले अगले 100 सालों में इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स ने ये कहा कि ये कोई गारंटी नहीं है कि ये हिट करेगा या नहीं। मगर ये अपोपिस 13 अप्रैल 2029 में धरती से सिर्फ 32,000 किलोमीटर से अनकंफर्टेबली क्लोज गुजरेगा। लेकिन बाद में इस न्यूज को खारिज कर दिया गया। फिर ये एस्टिमेट किया गया कि जब ये दूसरी बार 2036 और 2063 में धरती के करीब आएगा तो ये पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन बाद में इसको भी खारिज कर दिया गया और अब इसे रिस्क लिस्ट से भी हटा दिया गया है। रिस्क लिस्ट में उन एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स को रखा जाता है जिनके धरती से टकराने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ये पूरा रिस्क टेबल है और इस सेक्शन में एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स के डिग्निशन नेम लिखे गए। इस सेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्कवर डेट और उनका सरनेम है। इसमें ऑब्जेक्ट का डायमीटर लिखा गया है कि अर्थ को इम्पैक्ट करने वाले एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स कितने बड़े हो सके। ये इम्पैक्ट का डेट और टाइम है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से कब टकराएंगे।
होंगे और इस आईपी मैक्स वाले सेक्शन में एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स के अर्थ से टकराने की प्रोबेबिलिटी लिखी गई है कि टकराने के कितने परसेंटेज चांस है। 2023 में खोजा गया VD3 नाम का ये एस्ट्रॉइड जो 11 से 24 मीटर बड़ा है, इसके 8 नवंबर 2034 में शाम के 5:09 पर टकराने के चांसेस हैं 1:387, मतलब कि 0.0025%। इतने कम चांस होने के बावजूद भी साइंटिस्टों ने इसे रिस्क लिस्ट में रखा है। 1997 XP जो 400 से 900 मीटर बड़ा है, ये 12 दिसंबर 2056 में रात के 9:38 पर हमारी अर्थ से टकरा सकता है और टकराने के चांसेस है 1:4.2786, मतलब कि 0.00002%। थर्ड नंबर पे है 2008 JL3, एस्टिमेटेड डायमीटर 23 से 50 मीटर, इंपैक्ट डेट एंड टाइम 1 मई 2027 को दिन के 9:05 पर, प्रोबेबिलिटी है 1:6711। ये होता है टकराने का चांस 0.01%। वहीं इसरो के चीफ साइंटिस्ट एस सोमनाथ ने कहे कि कई बार इन सभी खबरों को हम लोग अवॉइड कर देते हैं क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ 70 से 80 साल तक ही होती है और इतनी कम लाइफ होने की वजह से हम लोग एस्ट्रॉइड इंपैक्ट नहीं देख पाते हैं और हम लोग ये मान लेते हैं कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। लेकिन अगर एक बार आप लोग हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स देखेंगे तो ऐसे एस्ट्रॉइड इंपैक्ट बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी कई मिलियन साल पुरानी है और ऐसे कई बार मार्स एक्सटेंशन हो रखे हैं, जिसका एक जीता जागता सबूत है डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने का जो 66 मिलियन साल पहले एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से ही हुआ था। सोमनाथ कहते हैं कि मैं खुद टेलीस्कोप से एस्ट्रॉइड को जुपिटर पर इंपैक्ट करते हुए देखा है और अगर कोई ऐसा एस्ट्रॉइड इंपैक्ट धरती पे हो गया तो वी आर ऑल एक्सटिंक्ट, हम सब विलुप्त हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि निराश होकर हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। वैसे तो हम लोग इसे रोक नहीं सकते लेकिन हमें इसका सलूशन ढूंढना होगा। ओसाइरिस एपेक्स स्पेस क्राफ्ट को अपोपिस एस्ट्रॉइड पर स्टडी करने के लिए भेजा गया है क्योंकि जब 2029 में अपोपिस धरती के पास से गुजरेगा, ओसाइरिस में लगे कैमरे 4000 किलोमीटर की दूरी से ही एस्ट्रॉइड के सरफेस को एनालाइज करने लगे। 2016 में नासा ने एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स पर स्टडी करने के लिए एक PDCO प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस एस्टैब्लिश किया, जिसमें 3 मिशन को शामिल किया गया। पहला है डार्ट मिशन। इस मिशन में नासा का प्लान ये है कि अगर कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है और वह टकराने वाला होगा तो नासा अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेस क्राफ्ट भेजेगा जो उस एस्ट्रॉइड को वह सिर्फ इतना हिट करेगा कि वह अपनी ऑर्बिट को चेंज कर लेगा। दूसरा है नियो सर्वेयर, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर। अगर कोई एस्ट्रॉइड धरती से 30 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है तो ये टेलीस्कोप उस खतरनाक एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स की पहचान करने में नासा के साइंटिस्टों की हेल्प करेगा। के बाद तीसरा है नियो आइस। यह स्पेस में लगा एक ऐसा टेलीस्कोप है जो अर्थ के करीब आ रहे डेंजरस ऑब्जेक्ट्स की पहचान करने और उनको एनालाइज करने में साइंटिस्टों की हेल्प करेगा। नियो आइस टेलीस्कोप अपने पहले ही मिशन में 158,000 से भी अधिक ऑब्जेक्ट का पता लगाया था, जिसमें 34,000 ऑब्जेक्ट ऐसे पाए गए थे जिनको कभी खोजा ही नहीं गया था। दोस्तों, हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन दुनिया के सभी साइंटिस्ट स्पेस को समझने के लिए विशेष मीटिंग रखते हैं। एस्ट्रॉइड डे की शुरुआत हुई थी 1908 से क्योंकि इस दिन रूस के तुंगस्का में एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा एस्ट्रॉइड इंपैक्ट हुआ था, जिसके इंपैक्ट से एक बार सिंगों का झुंड मारा गया और 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ जल गए थे। दोस्तों, 2038 के एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से हमें डरना नहीं है क्योंकि अगर ऐसा कोई खतरा आता भी है तो हमारे साइंटिस्टों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि ये लोग उसको स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपको डरने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप सोशल मीडिया के फेक न्यूज चैनल्स को फॉलो करने लगते हैं और अगर आपको न्यूज चैनल्स फॉलो करना ही है तो आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द गार्डियन और ब्रिटेनिका जैसे न्यूज चैनल्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू।